हेलो गाइस, वेलकम है आपका। आज हमने जिस कैंडिडेट से बात की वो जम्मू डिवीज़न से है और उनकी कैटेगरी जो है वो ओपन है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से है। उनकी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो कल थी 2 तारीख को, लेकिन उनको जो है कुछ वो भूल गए थे वहाँ पर कल, मतलब वो अपना सिग्नेचर करना भूल गए थे। जो चेकलिस्ट मिलती है आपको उस पर जो है वो सिग्नेचर करना भूल गए थे। तो कल उन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उनको बोला था आप आज जाओ वहाँ ऑफिस में, तो आप उनसे बात कर लो एक बार, ठीक है। तो फिर उनको जो है वहाँ पर क्या बोला गया DV में, आज वहाँ साइन उनका हो गया और उस साथ में जो है वो अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है अटेस्ट करना भी भूल गए थे। तो उनको जो है DV में आज क्या बोला गया, ठीक है, उनका वहाँ पर जो है सिग्नेचर फिर हुए कंप्लीट कि नहीं, वो आप जो है इस फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन में सुनोगे। और भी जो है उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया अपना, तो आप इस फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन में सुनोगे वो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो जो है वो आप एंड तक देखना, कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। साथ में जो है उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो नेक्स्ट जो है वो आप हमारी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन सुनोगे, आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक ज़रूर सुनना। हाँ हेलो, हेलो, प्रद्युमन हाँ जी, तो बताइए आपका नाम क्या है? प्रद्युमन कुमार, प्रद्युमन, कहाँ से हो आप? उधमपुर। अच्छा उधमपुर से। तो आपकी DV कब थी? 2 अगस्त कल। हाँ, अच्छा कल आपकी DV थी। तो आपकी DV मतलब कैटेगरी कौन सी है आपकी? ओपन। अच्छा ओपन में। तो हम बच्चे बोल रहे थे किसी ओपन वाले से बात करो, चलो आज बात हो गई। तो बाकी आपका कोई इश्यू तो नहीं था किसी एप्लीकेशन फॉर्म पे या कुछ और? नहीं, कोई इशू नहीं था। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो सब क्लियर था, ठीक था। अच्छा क्लियर था, मतलब नाम मतलब सब ठीक था एप्लीकेशन फॉर्म पे? हाँ, वो तो ठीक था, लेकिन मैं वो कल वो नहीं होता जो फॉर्म मिलता, फॉर्म देते हैं शुरू में वो, हाँ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, हाँ चेकलिस्ट, उदो मैंने वो जो फॉर्म भरा मैं हाँ। उस पर साइन करना भूल गया था। वो अच्छा कैंडिडेट मतलब सिग्नेचर होते हैं ना, हाँ। हाँ उस पर साइन करना भूल गया था। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो गया था, घर आके देखा था मैंने, फिर मैंने आपको वो मैसेज किया। हाँ मैंने कल सोचा आया था पहले वैसे। क्या करूं मैं पहले, फिर सोचा आपको मैसेज करता हूँ अच्छा, इंस्टा पे। तो फिर आपने बोला था कि आज जाना, जाके देखना। तो अच्छा फिर मैं आज गया, 8 बजे गया था घर से, 10 बजे पहुंच अच्छा गया था उधर। मैंने सर को बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने साइन नहीं किया वहां पे। तो उन्होंने बोला अपना सीरियल नंबर बताओ, मैंने बताया 692। अच्छा उन्होंने निकाला फॉर्म तो दे दिया मेरे को, बोला करो सिग्नेचर। फिर मैंने किए, और एप्लीकेशन अच्छा फॉर्म पे भी नहीं किया थे मैंने सेल्फ टेस्ट। अच्छा तो मतलब फिर आप उन्होंने, सिग्नेचर ही करना भूल गए थे। फिर आपको ध्यान कैसे आया कि मतलब सिग्नेचर रह गया मेरा, नहीं घर जाके मैंने पता चला? अच्छा फोटो लिया था ना उसका, तो मैं ऐसे घर पे देख रहा था आके, फोटो ली थी मेरे को आपने याद तो आया। चेक किया था, तो उस पर हाँ, सिग्नेचर मेरे नहीं को था। याद आया कैंडिडेट सिग्नेचर है, मैंने तो साइन किए नहीं थे कहीं के। हाँ, अच्छा, ठीक। तो फिर तो उसका उन्होंने हो गया मतलब वो मान गए फिर? हाँ, मैं गया, मैंने अच्छा बोला अच्छा सीधे आके कि सर मैंने साइन नहीं किया है। तो उन्होंने निकाला वो सीरियल नंबर, पूछा था मेरे से। तो अच्छा मैंने अच्छा अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म भी सेल्फ अटेस्ट नहीं की थी, वो भी भूल गए। तो अच्छा हाँ उसके लिए उन्होंने बोला वो रहने दो, उसका कोई इशू नहीं है। उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपकी DV कल थी तो आज आप फिर से गए थे। अच्छा ये कल जब गए थे तो बच्चे कितने आए थे? ओपन वाले अलग मतलब उनकी DV अलग हो रही थी या हाँ, फिर? मैं हाँ लास्ट में आया था ना सर, हाँ तो टोटल जो 651 से लेके 700 तक 43 थे टोटल, क्योंकि मैं सबसे लास्ट आया, 3:30 बजे आया था मतलब मेरे से। कितने बच्चों की DV होनी थी कल और प्रेजेंट कितने थे? 50 जो 651 से लेके 700 तक थे ना ओपन वाले, हाँ। उनमें 43 थे टोटल अच्छा लास्ट। टोटल 43, ठीक हाँ है, मतलब 7 एबसेंट थे। अच्छा हाँ अच्छा तो ठीक है। तो बाकी ओपन वाली मतलब जो कैटेगरी होती है उनकी अलग DV होती है, हाँ कैटेगरी हाँ वाइज DV होते हैं, ठीक है। अच्छा और आपके पास डॉक्यूमेंट जो 10th 12th के थे, मतलब आपका डिप्लोमा भी था 10th का और 12th हाँ का भी टेंथ साथ का में? भी था, 12th का भी था। अच्छा तो आपको कोई इश्यू नहीं हुआ? अच्छा ऐसा कोई कैंडिडेट जिसके पास नहीं था 10th का या 12th का उसको? नहीं, वो तो नहीं था कोई, एक RBA कैटेगरी वाला था शायद, वो अच्छा ओपन अच्छा मेरिट में आया था ऐसे RBA शायद, हाँ उसकी जो वो था ना RBA कैटेगरी थी जी जी वो, उसने नया बनाया था शायद, जो पहले वाला था वो नहीं था। तो उन्होंने, मैंने पूछा था उसको कि आपके पास पहले वाला सर्टिफिकेट है? तो उन्होंने बोला कि नहीं है मेरे पास। तो हाँ फिर बोला कि पहले वाला भी, फिर उन्होंने वो वहाँ पे ऐसे पता नहीं क्या, कि फिर वो जो सर नहीं होते
केएस ऑफिसर थे हाँ वो चेक करते हैं लास्ट में ओरिजिनल वाले, फिर हाँ उनके पास गई थी मैं, फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोला, अच्छा उन्होंने अच्छा मैं बोल रही थी दोनों वाले चाहिए, ये वाला भी चाहिए और उससे पहले वाला भी चाहिए था। अच्छा दोनों चाहिए। अच्छा। और बाकी आपका वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला सर्टिफिकेट था आपके पास? हाँ हाँ वो भी था। अच्छा, उसमें कोई इशू तो नहीं था? नहीं, अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम थी उसमें आपके साथ में? ऐसा तो कोई नहीं था अब। अच्छा, बाकी प्रॉब्लम वाले बच्चे मतलब आपको मतलब आपके साथ कोई था नहीं ऐसा, सबका ठीक था? हाँ, एक अच्छा कैजुअल लेबर वाला था, दो थे ना, एक के पास था कैजुअल लेबर वाले अंकल थे वो, अच्छा अच्छा और एक लड़का था उसके पास नहीं था। हाँ, उसके फिर उनने वो कर दिया, वो मतलब फाइव कट। मार्क्स कट हो जाएंगे शायद। अच्छा हाँ, वो तो कट हो जाएंगे। नहीं, हाँ हाँ मतलब कैजुअल वो जो लेबर था उसको जो अपना बेनिफिट जो उनको मिलता है वो उसको नहीं मिला? नहीं, एक दो थे ना कैजुअल लेबर वाले, अच्छा एक अंकल थे अच्छा अच्छा उनके पास तो था सर्टिफिकेट कैजुअल लेबर वाला। अच्छा उनके पास अपना था। हाँ, तो एक लड़का था उसके पास नहीं था। अच्छा, मतलब कैजुअल लेबर वाला सर्टिफिकेट नहीं था उसको, वो कट हो गए। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। अंकल के पास था, एक अंकल से। हाँ, अच्छा, और कोई आपको लगा कहीं पे इशू है ओपन मेरिट वालों को, बच्चों को प्रॉब्लम आती है? नहीं, फिर कोई ऐसा इशू नहीं है, अच्छा, मैं भी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला सर्टिफिकेट है, ये आपने जेरोक्स वहां पर सबमिट किया या फिर ओरिजिनल? ओरिजिनल अच्छा, नहीं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमसे जो है वो जेरोक्स लिए वहां पे। नहीं, ओरिजिनल लिया। अच्छा, तो हाँ, मेरे अच्छा पास आधार का जेरॉक्स भी नहीं था ना उधर, तो अच्छा वो उन्होंने मेरे को करके दे दिया। अच्छा आपने आईडी का वो जेरॉक्स नहीं करवाया था, आईडी प्रूफ? हाँ, फिर अच्छा वो अच्छा उन्होंने खुद ही करके दे दिया था मेरे को। अच्छा चलो, वो मसला नहीं है। अच्छा, बाकी आपका एफिडेविट जो था उस पे स्टैम्प कहाँ लगा था, फ्रंट पेज पे या फिर बैक साइड लगा था? नहीं सर, वो जहाँ पे अंडरटेकिंग लिखी होती है ना उसके नीचे। हाँ हाँ अच्छा, उसके नीचे ही। तो मतलब आपका सब ठीक था, बस यही आप साइन करना भूल गए थे? हाँ, हाँ साइन में थोड़ा डर गया था, तो चलो अब तो आपको इशू मैसेज किया आपका। मैंने। मैंने सोचा पहले फोन करता हूँ जेके एसएसबी वालों को, तो उनका तो फिर फोन ही 9:30 बजे से लेके 5 बजे वो तो तक उठाते नहीं होता है है शायद। फोन। हाँ, ऐसे 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक टाइमिंग होती है ना, तो फिर मैं रात को कहाँ करूँगा फोन। फिर आपको मैसेज किया मैंने, फिर अच्छा, हाँ चलो ठीक है। तो बाकी हाँ और कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं लगी है? ना ना बाकी बच्चे जितने बच्चे जाए उतने बच्चे उनकी हो जाती है डीवी ऐसे? हाँ, अच्छा 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 मैं लेट पहुंचा था अगर। अच्छा ठीक है, हाँ चलो ठीक है। थैंक यू, आपने ओके, एक्सपीरियंस थैंक यू शेयर सर। ठीक किया, तो इसको मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू भाई, ठीक है।